और यहाँ मैं आज हाईलैंडर्स यहाँ पे जो रुमक्योम करके जगह है, जो काले बोलते हैं नॉर्थ सिक्किम में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में जो हमारा याक्स है, तो ये याक्स जो है इसको, इसका याक्स के साथ में एक वाइल्ड एनिमल्स जिसको स्नो लियोपर्ड बोलते हैं, तो उसका एकदम एक रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो जो स्नो लियोपर्ड है वो याक का बच्चे को कोई टाइम में मारता है और वो खाता है, क्योंकि उसका एक फूड चेन का हिसाब से उसका एक अच्छा पसंदीदा जो है वो याक का बच्चे होता है। तो इस तरह से, लेकिन वो जो ये जो स्नो लियोपर्ड है वो अभी का टाइम में लुप्त हो रहा है, इस एक्सटिंक्शन हो रहा है। इसीलिए ये लाचेन का जुमसा के अंडर में बहुत बढ़िया जो सिक्योर हिमालय के प्रोजेक्ट में ये WWF और यहाँ का LTDC लाचेन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी जो बहुत बढ़िया जो काम कर रहा है इसका कंजर्वेशन के लिए, तो उसी कंजर्वेशन का हिसाब से जो स्नो लियोपर्ड को कंजर्व करने के लिए बढ़िया तरह सिक्योर हिमालय का प्रोजेक्ट्स के ऊपर में ये इस स्नो लियोपर्ड का एक बहुत बढ़िया स्टैचू बनाया है ऑन द वे टू थांगू। तो आप लोग भी जब थांगू की तरफ, गुरुदुंगमार की तरफ विजिट करता है तो इसी जगह में आप आ सकते हैं। और ये हमारा भाषा में ये वेलकम टू होम ऑफ द सागे, सागे जो है हमारा जो लाचेन का भाषा में इसको स्नो लियोपर्ड बोलता है। तो इस प्रोजेक्ट्स में इस हिसाब से UNDP, LTDC और लाचेन जुमसा और ये सिक्किम फॉरेस्ट और स्पेशली ये सिक्योर हिमालय का प्रोजेक्ट्स में ये स्नो लियोपर्ड जुड़ा हो रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत WWF और इसी प्रोजेक्ट के तहत ये लोग अपना जो याक कम्युनिटी है, स्नो लियोपर्ड इसका याक को हानि तो पहुंचाता है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट के तहत वो लोग को भी कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जो मिलता है, जैसे वो लोग का जो याक का फेंसिंग करना, सोलार लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस तरह से बहुत बढ़िया तरह हेल्प करता है। और इसी टेरेन में ये एक ब्यूटीफुल लुप्त जानवर ये घूम रहा है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ब्यूटीफुल जानवर को कंजर्व करके रखिए, इसको मारिएगा मत। ये बहुत सीधा एक एनिमल्स होता है और ये कोई टाइम में याक का बच्चे को शिकार करता है। थैंक यू।